योगानंद शास्त्री के अगुवाई में चुनाव लड़ने की तैयारी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में जड़े जमाने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर शामिल हुए दिल्ली के वरिष्ठ नेता योगानंद शास्त्री के अगुवाई में आगामी नगर निगम चुनाव में पूरी ताकत झोंकने का फैसला लिया है। योगानंद शास्त्री कुछ बीते हफ्ते ही पार्टी मुखिया शरद पवार की मौजूदगी में एनसीपी में शामिल हुए हैं। उनके साथ उनके समर्थकों ने भी एनसीपी का दामन थामा था। उनके पार्टी में आने के बाद से ही ये माना जा रहा था कि एनसीपी महाराष्ट्र और केरल से आगे निकलकर दिल्ली में भी अपनी संभावनाएं देख रही है। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में दिल्ली प्रवेश कार्यकारिणी की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में ये साफ किया गया कि पार्टी दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को चुनौती देने के मूड में है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धीरज शर्मा ने बताया कि दिल्ली में एक तरह की विकल्पहीनता की स्थिति बन गई है। नगर निगम में बीजेपी काबिज है, जबकि आम आदमी पार्टी प्रदेश की सत्ता संभाल रही है, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में काम करने में बुरी तरह फेल हुई हैं। उन्होंने प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की वजह से प्रदेश के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के कल्याण के मुद्दे पर भी धीरज शर्मा ने बीजेपी के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों में उम्मीद जगाने में नाकाम रही है, जबकि आम आदमी पार्टी की राजनीति भी लोग देख रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस सभी के लिए विकल्प बेहतर विकल्प बनकर उभरेगी। उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में पार्टी संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का काम करेगी और नए लोगों को अपने साथ जोड़ेगी। वरिष्ठ नेता योगानंद शास्त्री ने भी दिल्ली में ताल ठोकने का ऐलान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने की अपील की। योगानंद शास्त्री ने कहा कि पार्टी शरद पवार जी के अनुभव और धीरज शर्मा जैसे युवा नेताओं की ऊर्जा को एक साथ लाकर समन्वय की राजनीति करेगी। कार्यकारिणी में ज्यादा से ज्यादा युवाओं और महिलाओं को मौका देने का भी भरोसा दिया गया। इस कार्यकारिणी में राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया दोहन और दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए सबसे पहले। देखिए, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के यूथ विंग की मीटिंग थी। भाई धीरज शर्मा ने बहुत जल्दी में ये मीटिंग की है और हम धन्यवादी उनके कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस के आधार पर ये किया। नौजवान जिधर चलता है देश उधर ही चलता है। पूरी दुनिया का इतिहास आप देख सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस में हम यूथ कांग्रेस को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास करेंगे, क्योंकि वही देश को आज़ाद रख सकेंगे। दुर्भाग्य यह है कि लोग ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी तो मौनी थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब अमेरिका में 40 बड़े बैंक डूब गए थे, 2 लाख नौजवानों की नौकरी छूट गई थी, पूरा यूरोप मंदी की वजह से हाहाकार कर रहा था, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कमाल ये किया कि हिंदुस्तान में न तो कोई बैंक डूबा और न एक भी नौजवान की कोई नौकरी छूटी। और वो लोग ऐसा कहते हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। उस व्यक्ति ने देश को बचाया। आज उन्हीं के आदर्शों पर हम चल रहे हैं। कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस, सिद्धांत की दृष्टि से, नीति की दृष्टि से ज़्यादा अधिक कोई फर्क नहीं है। नेतृत्व का फर्क है। शरद पवार साहब वास्तव में राष्ट्रवादी हैं और इस समय सबको मिलाकर आगे चल कर के ऐसी तानाशाही जो देश को बर्बाद करने की ओर ले जा रही है उसका मुकाबला करने की तैयारी है। और हमारा विश्वास है कि पवार साहब सब दलों को जोड़ करके इकट्ठा करेंगे और ऐसे लोगों का सफलतापूर्वक मुकाबला करेंगे जो देश को
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मकसद क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मकसद ये माननीय पवार साहब की एक विचारधारा, एक सोच है। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं जात पात और धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारा मकसद ये है इस नफरत को ख़त्म करना है, भाईचारे को कायम रखना है और पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का हमारा मकसद है। ये हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस की विचारधारा है। ना हम जातिवादी, ना हम धर्मवादी, हम है राष्ट्रवादी। MCD के चुनाव आने वाले हैं, इसमें क्या भूमिका रहेगी आपकी? देखिए, आपने देखा है कि पूरे देश में हमेशा युवाओं की एक बड़ी भूमिका रही है राजनीति में, और आज इसी क्रम में हम लोगों ने, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने अपने यहाँ पे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करी है। हमने अपने सीनियर लीडर से आने वाले समय में उनसे गुजारिश की है कि कम से कम 50% युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। आने वाले समय में हम कॉरपोरेशन के इलेक्शन में हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका, अहम भूमिका हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवक साथियों के ऊपर दी जानी चाहिए। अभी सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है जो 3 बिल जो PM मोदी सरकार लेकर आई थी उन्हें वापस लेने को बोला है PM मोदी ने, और आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही है, किसान नेताओं ने जो आंदोलन ना ख़त्म करने का निर्णय लिया है, ये बिल्कुल सही निर्णय लिया है, क्योंकि हम अब हमारे प्रधानमंत्री जी की बात पे यकीन नहीं करते हैं। 2014 में भी हमने देखा, बड़े बड़े रोजगार से लेके बड़े बड़े वादे किए, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती चली गई। तो हम बिल्कुल सही हैं, जब तक ये कानूनी रूप से ये निरस्त नहीं होगा और MSP के ऊपर कोई गारंटी, कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठाएगी, तब तक हम इसको वापस नहीं समझेंगे। आखिरी में युवाओं को क्या मैसेज देंगे? युवाओं को यही एक मैसेज है कि हमारे को ये जिस प्रकार से बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इनकी बातों में नहीं आना है। हमें अपने राष्ट्र के लिए, हमें अपने भाईचारा, जो पूरा देश हमारा पूरी दुनिया में अपने एक सेक्युलरिज्म के लिए जाना जाता है, वो हमारी देश की पहचान है। हमें अपना भाईचारा, अपना किसी भी हालत में ख़राब नहीं करना है, ये भले कितनी भी नफरत फैलाने की कोशिश करें। और 2024 में बहुत हो गया, बहुत समय हो गया, अब इनको भाजपा को और केंद्र की सरकार को घर बिठाने का काम करना है।